आखिरकार टिकट नहीं मिलने से नाराज राम टहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत समाचार के साथ मैं जूली रानी। आइए अब सुनते हैं समाचार को विस्तार से। रांची से 5 बार के सांसद रहे राम टहल चौधरी ने आज कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि 28 मार्च को टिकट मिलने के आश्वासन के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले राम टहल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, जिसकी घोषणा करते हुए कहा कि वे पार्टी का झंडा और झोला धोने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। बता दें कि 21 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने जब राम टहल चौधरी दरकिनार कर यशवनी सहाय को टिकट दिया था, उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राम टहल चौधरी किसी भी दिन कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि राम टहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान तो कर दिया, पर उसकी अगली रणनीति क्या होगी? क्या वे फिर से भाजपा के घर वापसी करेंगे या किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, इसका खुलासा नहीं किया है। इस विषय पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करने के बाद ही अपनी अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। क्या दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है, इसलिए बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना परसेंट पोल हो पाएगा, बहुत से लोग नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे, लोग वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसे है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है, ऐसा स्थिति नहीं तो अभी तक हमको कोई चुनाव लड़ने का अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। अब इसके बाद फिर विचार करेंगे, तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं, फिर बीजेपी अभी कह रहा है ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करेंगे अपने लोगों से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में? समर्थन भी मौन रहे, तो भी किसी का नहीं, किसी का झंडा बन के समर्थन नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप जरूर जिसको किसी को समर्थन करना होगा, जिसको अच्छा समझेंगे उसको घर बैठे करेंगे। यही सी बात है, कांग्रेस से आप खफा है, कांग्रेस आपको जिस प्रकार से लाई हुई थी, आप कुछ दगा किया, तो अब तो एक ही पार्टी बच जाती है बीजेपी। वो भी काम कर समर्थन समर्थन करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है, स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम लोग तय करेंगे कि किसको समर्थन। रामदास जी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले गए थे ना, हम टिकट नीतीश कुमार कहे थे कि हमारे पार्टी में आइए, उस समय इंडिया में थे, तो हम बोले कि हमके रांची सीट दीजिएगा आप, तो हाँ हम देंगे, हमके कैसे दीजिएगा, वो कांग्रेस का सीट है, पहले आप सीट बंटवारा कर लीजिए तब हम सोचेंगे आपके पार्टी में आएंगे। बीजेपी ऐसे आपका कोई जनाधार नहीं है, सारी बात होती यही, जब बात चल रही है ना, यही जब बात चल रही थी तब कांग्रेस वाले कहे कि आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग बात करते हैं कांग्रेस से, और बिल्कुल गुप्त रूप से लोग बात करते रहा कि कोई प्रचार नहीं किया, और जाके अंतिम में ये बात है। मिलने के लिए गए जो भी कैंडिडेट, हम भी कैंडिडेट होते हैं तो थोड़े देखते हैं पराया है कि अपना है, वो आज भी तो हमारे यहाँ कई कैंडिडेट जो खड़े होंगे, दो तीन कैंडिडेट आए आशीर्वाद लेंगे, वो तो उनका कटसी होता है, वो किए हैं करेंगे। मेरा सवाल जो कभी हम बीजेपी के दरबार किसी के दरबार नहीं गए, और हम अगर एमपी बने तो हम दिए पार्टी को, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक हमने लिया नहीं कुछ, इंडिपेंडेंट लड़े, वोट दे करके तब हमको टिकट दिया, वो हमको क्या समझाएगा? बीजेपी तो बड़ी दुनिया है, बीजेपी क्या करेगी ना, किसी का ना बीजेपी क्या जाए, ना जाएंगे ना जाएंगे, बीजेपी नहीं, जात भी चला गया और भात भी नहीं मिला आपको, ये हाल। छोड़िए जात और भात की बात, पॉलिटिक्स में होता है, अपना देखे ना, एक दूसरे का बोलते हैं, अपना चरित्र को नहीं देखते हैं, बोलने लगेंगे तो बहुत कुछ बोलने।